आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मदर्स डे एवं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने किया रक्तदान। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस और मदर्स डे के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बड़वानी जिला मुख्यालय पर आशाग्राम स्थित अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और अपना बहुमूल्य रक्तदान किया है। इस रक्तदान शिविर में बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ अनिल डामोर और बड़वानी एसडीएम घनश्याम, नगर पालिका अधिकारी, महिला और बाल विकास के अधिकारी, कर्मचारी, कई कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर अपने अपने शरीर का बहुमूल्य रक्तदान किया, ताकि के अंदर सिकल सेल और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सके, जिसमें उपचार के दौरान रक्त की बहुत ही आवश्यकता होती है। समय आने पर मरीज को रक्त की आवश्यकता हो तो तुरंत उसे उपलब्ध हो सके, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय रामनिया की रिपोर्ट। आज जिला बड़वानी में रेड क्रॉस के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें कलेक्टर साहब सहित जिले के सभी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने रक्तदान किया है। जैसा कि ब्लड की आवश्यकता लगभग हर समय पड़ती ही रहती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट के केसेस देखें हम, डिलीवरी के केसेस देखें हम, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, इसको देखते हुए आवश्यक है कि सभी लोग सामने आएँ, अधिक से अधिक रक्तदान करें, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है और नियमित अंतर्वल पर हर एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। तो एक आमजन से अपील भी है कि अधिक से अधिक मात्रा में आगे आएँ, रक्तदान करें और दूसरे लोगों का जीवन बचाएं। साथ ही आज जैसा कि इंटरनेशनल मदर्स डे भी है, तो उसकी भी हमें सभी को शुभकामनाएं, और साथ ही जैसा मैंने कहा कि डिलीवरी केसेस और ऐसे जो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होते हैं, उसमें भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम सबका एक प्रयास है कि उसकी तरफ भी एक योगदान दिया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस तथा मदर्स डे के उपलक्ष्य में बड़वानी जिले के सिकल सेल एनीमिया मरीजों की सहायता हेतु आशाग्राम के डीडीआरसी भवन में बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ ही हमारे एसपी साहब, सीईओ जिला पंचायत, हमारे एडीएम, एसडीएम, सीएमओ, महिला बाल विकास अधिकारी, सहायक संचालक महिला बाल विकास सहित अनेक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर रक्तदान की शुरुआत की है। मेरी अब सभी से अपेक्षा है, सभी ज़िलेवासियों से, कि यहाँ पर जो सिकल सेल की बीमारी है, इससे बचाव के लिए रक्तदान अवश्य करें।